स्थिति से हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फंक्शन ओवरलोडिंग होता क्या है। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? जब हम सेम जो फंक्शन का नेम है वो एक से ज्यादा बार यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है, वो बात ठीक है कि हम जो फंक्शन है वो सेम नेम से यूज कर रहे हैं, लेकिन जो पैरामीटर्स यूज करते हैं वो नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। तो फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है? यूजिंग सेम नेम ऑफ फंक्शन मोर देन वन टाइम लेकिन कंडीशन क्या थी हमारी? कंडीशन हमारी ये थी कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है और या टाइप ऑफ पैरामीटर्स हो मेरे पास वो अलग होने चाहिए। तो क्या कंडीशन आ गई कि मेरे पास सेम नेम होना चाहिए फंक्शन का, सेम फंक्शन होगा, सेम नेम होना चाहिए फंक्शन का और वो जो फंक्शन है वो एक से ज्यादा बार हम यूज कर रहे हैं तो ये चीज क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग। नाम से ही पता चल रहा है फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं। तो यानी कि सेम नेम ऑफ फंक्शन हम मोर देन वन टाइम जो है वो यूज कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा क्या है? वो ठीक है कि हम फंक्शन नेम एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हैं लेकिन कंडीशन क्या है कि नंबर ऑफ पैरामीटर्स या टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो हम यूज कर रहे हैं वो अलग होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो हमारा एक कूप्स कॉन्सेप्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म वो भी एक्सप्लेन करता है। किस तरह से पॉलीमॉर्फिज्म में हम क्या करते थे कि एक ही चीज को एक से ज्यादा तरीके से यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा तरीके से डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम चीज है, फंक्शन नेम एक ही है लेकिन हम उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। कैसे यूज कर रहे हैं? अलग अलग तरीके से जो पैरामीटर्स है वो अलग कर रहे हैं, या तो नंबर अलग होगा या फिर टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो है वो अलग। इसके एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं एडिशन। मुझे क्या करना है? दो फंक्शन लेने हैं जिसमें मैं क्या करूंगी? ऐड कर दूंगी नंबर्स। एक फंक्शन में मैं दो नंबर्स ऐड कर देती हूँ और दूसरे फंक्शन में मैं तीन नंबर्स ऐड कर देती हूँ। तो फंक्शन का नाम नेम हम एक ही रखेंगे, एडिशन। तो देखते हैं किस तरीके से हम बना रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी void addition और यहां मैं सिर्फ दो नंबर को ऐड करूंगी। तो दो नंबर int a और int b कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? मैंने फंक्शन बना दिया दो नंबर्स के लिए। अब इन दोनों नंबर्स का एडिशन तो ये स्टोर करूंगे थर्ड वेरिएबल में, तो वो एक वेरिएबल जो है रिजल्ट ले लेते हैं int results। अब इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा? a और b का एडिशन स्टोर होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा जो भी a प्लस b की वैल्यू होगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? cout res। ये मेरा क्या है? वो एडिशन फंक्शन है जब मेरे पास दो नंबर थे और मैं दो नंबर को ऐड करके एक रिजल्ट में वेरिएबल में स्टोर कर रही थी और वो मैंने डिस्प्ले कर दिया। अब हम एक दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसमें मैं क्या करूंगी? तीन वेरिएबल्स लूंगी, तीन नंबर्स का एडिशन करूंगी। तो यहाँ क्या है कि जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स है वो अलग है। यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं, अब जो मैं बनाऊंगी उसमें तीन नंबर का एडिशन करूंगी, तो तीन पैरामीटर्स होंगे। तो यहाँ क्या है, हम एग्जांपल कौन से ले रहे हैं जहाँ पे नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो है अलग है। तो यहाँ मैंने क्या ले लिया? void addition int a int b int c। अगेन एक वेरिएबल बनाऊंगी रिजल्ट जिसमें मैं इन दोनों तीनों का एडिशन जो है वो शेयर करूंगी, a plus b plus c और c और क्या कर दूंगी? रिजल्ट। तो अब की बार मैंने क्या किया? अब की बार मैंने तीन नंबर्स लिए, उन तीन नंबर्स का एडिशन जो है वो रिजल्ट res नाम के वेरिएबल में स्टोर किया और उसको प्रिंट करा दिया। तो यहाँ क्या हुआ कि हमने सेम नेम ऑफ फंक्शन यूज किया लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर्स क्या था? जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स थे वो यहाँ अलग थे। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं? टाइप ऑफ पैरामीटर्स जो है वो भी अलग अलग ले सकते हैं। वो कैसे लेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल, मैंने int दोनों इंटीजर टाइप किए, अगर मैं चाहूँ कि मुझे दोनों फ्लोट टाइप चाहिए या एक इंटीजर चाहिए एक फ्लोट चाहिए तो वो मैं यहाँ चेंज कर सकती हूँ। तो उस केस में क्या हो जाएगा? जो टाइप ऑफ पैरामीटर है वो अलग हो जाएगा। यहाँ पे ये इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को इंटीजर टाइप नंबर्स को ऐड कर रहा है,
यहाँ क्या करेगा, फोर टाइप नंबर्स को ऐड करेगा। अब इससे एक मेन बना देते हैं, void main, main में हम क्या करेंगे इन दोनों को कॉल करेंगे। अब अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मुझे दो नंबर्स पास करने पड़ेंगे, है ना। तो मैंने क्या किया, दो नंबर्स को ऐड करना है मुझे, तो मैंने दो वेरिएबल्स को पास कर दिया और मैंने उनको कॉल कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे इसको कॉल करना है तो मैं क्या करूंगी, एडिशन 2, 4, 3 ले लेते हैं एंड देन गेट स्पीच। तो यहाँ क्या हुआ, जब मेरा कंपाइलर मेन के पास आया तो इसे देखा एडिशन, अब क्या है पैरामीटर्स, यहाँ पे दो पैरामीटर्स हैं 2 और 4, तो ये यहाँ पे ढूंढेगा ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका नेम एडिशन है और जिसमें दो पैरामीटर्स हैं और दोनों ही इंटीजर टाइप के, तो वो क्या है फंक्शन 1 है, तो वो इसके पास आएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं 2 और 4 वो यहाँ आ जाएगी, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 4, रिजल्ट में क्या आ जाएगा 6 और प्रिंट क्या हो जाएगा 6। फिर ये वापस रिटर्न होके यहाँ आएगा, अब यहाँ पे क्या देखेगा कि फंक्शन का नाम जो है एडिशन है और मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं वो 3 हैं और तीनों इंटीजर टाइप के हैं। तो अब उसने देखा कि मेरे पास एडिशन नाम का फंक्शन चाहिए मुझे और 3 पैरामीटर्स चाहिए जिसमें तीनों इंटीजर टाइप के होने चाहिए, तो इसके पास आएगा फंक्शन 2 के पास। तो यहाँ से कौन कौन सी वैल्यू जाएगी, ए की वैल्यू 2 हो जाएगी, बी की वैल्यू 4 हो जाएगी एंड सी की वैल्यू 3 हो जाएगी। इन तीनों का एडिशन करेगा ये, तो आर ही इसमें क्या स्टोर हो जाएगा 9 और सी आउट क्या हो जाएगा 9। तो आउटपुट जो मेरा यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले 6 प्रिंट होगा, उसके बाद क्योंकि हमने कोई भी स्लैश एंड यहाँ पे प्रोग्राम में नहीं दिया है तो क्या प्रिंट हो जाएगा 9। तो ये हमारा एग्जांपल है फंक्शन ओवरलोडिंग का। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या है कि हम फंक्शन को ओवरलोड कर रहे हैं, ओवरलोड कैसे कर रहे हैं, सेम नेम फंक्शन का यूज कर रहे हैं लेकिन जो नंबर ऑफ पैरामीटर है या जो टाइप ऑफ पैरामीटर है वो अलग होगा, नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर अलग होंगे। एग्जाम्पल में हमने एडिशन लिया है जिसमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग हैं, इसी तरह से हम टाइप ऑफ पैरामीटर्स का भी अलग से एग्जांपल बना सकते हैं। जब भी हम प्रोग्राम को रन करेंगे कंपाइल करेंगे तो वो मेन के पास जाएगा, मेन में दिखेगा एडिशन, एडिशन में दिखेगा इसके दो पैरामीटर्स हैं, दोनों इंटीजर टाइप के, तो वो इंटीजर टाइप फंक्शन 1 के पास चला जाएगा। सिमिलरली ये फंक्शन 2 के पास चला जाएगा। इसी तरह से अगर कोई मेरे पास फ्लोट का होगा, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं फ्लोट ले लूं तो मुझे यहाँ इंटीजर वैल्यू लेनी पड़ती 2.2 लेनी पड़ती, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे 2.2 ले लूँ तो यहाँ पे क्या देखेगा कि पहला जो है दो आर्गुमेंट्स होने चाहिए, फंक्शन का नाम एडिशन होना चाहिए, पहला फ्लोट और दूसरा इंटीजर होना चाहिए। तो पहला फ्लोट क्या है, ये फ्लोट वाले के पास जाएगा और ये इंटीजर वाले के पास जाएगा, तो ये फंक्शन उनको कॉल कर देगा। ये कॉन्सेप्ट पूरा फंक्शन ओवरलोडिंग का है और ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट उस कॉन्सेप्ट को कौन सा बताता है, पॉलीमॉर्फिज्म को एक्सप्लेन करता है। किस तरह से एक्सप्लेन करता है, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म का भी क्या मतलब था कि हम सेम चीज को एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सेम फंक्शन नेम को एक से ज्यादा बार यूज कर रहे हैं। So that's all about function overloading. If you are having any doubt in this topic, then please do mention in comments below. Thank you.